तो दोस्तों आज हमारे पास में गैराज में आई हुई है हीरो होंडा वालों की स्प्लेंडर प्लस BS6 FI वेरिएंट बाइक। ये आप देख पा रहे होंगे इस बाइक में क्या प्रॉब्लम आ रही थी। जैसे ही अपनी बाइक को हम इग्निशन ऑन कर रहे थे, इसका चेक इंजन लाइट नहीं जल रही है और बाइक के अंदर दोस्तों जैसे ही हम सेल मारे स्टार्टिंग की प्रॉब्लम आ रही है, जो बाइक है हमारी बिल्कुल ही स्टार्ट नहीं हो रही है। तो सबसे पहले क्या है, इसका स्पार्क देख लेते हैं, यहाँ तक करंट आ रही है नहीं। तो इसका जो प्लग कैप है इसको निकाल लेते हैं। प्लग कैप निकालने के बाद दोस्तों इसको खोलना पड़ता है, तो इसको खोल लेते हैं और इसमें करंट चेक करेंगे कि अपनी बाइक में करंट आ रहा है या नहीं। और तो दोस्तों स्टेप बाय स्टेप बताएंगे, अगर बाइक में इस तरह से प्रॉब्लम आए, स्टार्ट नहीं हुए, तो क्या चेक करना चाहिए क्या नहीं। तो देख लेते हैं बाइक में सेल्फ लगा करके कि इसमें स्पार्क आ रहा है नहीं। तो आप ये देख पा रहे होंगे दोस्तों, जो हमारी बाइक है वो सेल्फ ले रही है पर इसमें स्पार्क नहीं आ रही है, यानी कि करंट नहीं आ रही है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर जो इसका बैटरी वाला साइड पैनल होता है इसको ओपन करते हैं। तो यहाँ पर 10 mm का बोल्ट है ये, तो 10 की टिकी मदद से इसको ओपन कर लेते हैं। उसके बाद में यहाँ पे इसके सारे फ्यूज चेक करेंगे, कोई फ्यूज में तो प्रॉब्लम नहीं है। तो इसको पहले ओपन कर लेते हैं कुछ इस तरह से, ये ओपन हो गया है। इसके बाद में दोस्तों अगर आपके पास FI बाइक है और स्टार्टिंग की प्रॉब्लम आ रही है, यानी कि यहाँ तक स्पार्क नहीं आ रही है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पर जो एक फ्यूज़ होता है इसको निकाल लेना है, फ्यूज बॉक्स को कुछ इस तरह से इसको ओपन कर लेना है। उसके बाद में ये इसको फ्यूज बॉक्स को यहाँ से दोस्तों एक कपलर होता है इसका, ये अपने हाथ की मदद से इस तरह से ओपन कर लेना है। इसको मैं कर लूँ, ये दोस्तों ओपन हो गया है। उसके बाद में इसके फ्यूज चेक करने हैं, ये फ्यूज है, मैं चेक कर लूँ। ये देख पा रहे होंगे दोस्तों एक जो फ्यूज है इसका, ये जल चुका है, बेकार हो गया है। मैं आपको इसका फ्यूज बाहर निकाल के दिखा देता हूँ। आप ये देख पा रहे होंगे जो उसका फ्यूज है दोस्तों बिल्कुल ही बेकार हो चुका है, जल चुका है। तो दोस्तों इस बाइक का जो फ्यूज है उसको चेंज करेंगे और देखेंगे बाइक में फ्यूज की क्या प्रॉब्लम है। तो ये एक्स्ट्रा में एक फ्यूज होता है, फ्यूज की वजह से दोस्तों अपनी बाइक में शायद हो सकता है करंट नहीं आ रही हो, तो ये फ्यूज की प्रॉब्लम है। तो इस फ्यूज को हम यहाँ पे लगा लेते हैं, उसके बाद में देखेंगे दोस्तों कि जो अपनी बाइक की प्रॉब्लम थी वो सॉल्व हुई है नहीं। तो इस तरह से इस फ्यूज को लगा लेते हैं और ये जो बेकार फ्यूज है इसको साइड में रख देते हैं। और फ्यूज़ हमने लगा लिया और इसका इग्निशन ऑन कर लेते हैं। तो आप देख पा रहे होंगे जैसे दोस्तों हमने इग्निशन ऑन करा, न्यूट्रल आ गया और इसका चेक इंजन लाइट भी आ गई है। और ये इसका यहाँ पे करंट देख लेते हैं, बाइक में सेल्फ लगाते हैं, सेल्फ लगाओ। ये आप देख पा रहे होंगे दोस्तों सेल्फ लगाने से ही जो था, फ्यूज चेंज करने से जो था हमारे बाइक में यहाँ तक स्पार्क आ गया है। तो इसका जो प्लग कैप है उसको लगा लेते हैं। उसके बाद में दोस्तों अपनी बाइक को स्टार्ट करेंगे और देखेंगे जो बाइक की प्रॉब्लम थी वो सॉल्व हो या नहीं। तो दोस्तों आप अगर चैनल पर पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन को आपको ऑल पर सेट कर देना है, जब हम न्यू वीडियो डालें सबसे पहले आपके पास आ जाए। तो दोस्तों पहले बाइक में सेल्फ लगा लेते हैं और देखते हैं इसकी बाइक की जो प्रॉब्लम थी वो सॉल्व हो या नहीं। तो आप ये देख पा रहे हैं जो हमारी बाइक थी स्प्लेंडर प्लस BS6 FI वेरियंट बाइक, ये दोस्तों स्टार्ट हो चुकी है इस फ्यूज की वजह से, यानी कि फ्यूज शॉर्ट हो गया था। मैं आपको क्लियर दिखा दूं, इस फ्यूज की वजह से जो हमारी बाइक थी स्प्लेंडर प्लस BS6 ये स्टार्ट नहीं हो रही थी। अगर आपकी बाइक में कुछ इस तरह से प्रॉब्लम आ रही है, गाड़ी सेल्फ ले रही हो और चेक इंजन लाइट नहीं जल रही है, तो आपको कुछ नहीं करना है, ये यहाँ पर फ्यूज बॉक्स निकालना है और इसके जो फ्यूज हैं वो चेक कर लेने हैं। तो दोस्तों वीडियो में दी गई जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बता देना है। और दोस्तों जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को कर देना लाइक। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।